चैनल में आपका स्वागत है। देखिए एक कॉटन का कपड़े का जो है मेरे पास गोल्डन कलर का, इसमें मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी और स्टिच करना भी बताऊंगी। अब ये बिना अस्तर वाला है कॉटन के कपड़े का, मैं बनाऊंगी। अब इसको मैं पहले इसको डबल फोल्ड में भी मैं बिछा ले रही हूँ। पहले इसको दो फोल्ड में करना है, फिर इसको बीच में से इसको मैं एक फोल्ड और कर दे रही हूँ, तो चार फोल्ड हो जाएगा। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखती हूँ कितना है। चौड़ाई यहाँ पे आ रही 11 इंच, तो 10 इंच का मैं बनाऊंगी। 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पे इसकी लंबाई मैं बनाऊंगी टोटल यहाँ पे 16 इंच का। ये बिना अस्तर वाला है। अब यहाँ से आगे और पीछे को पार्ट की कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच। ये पीछे कल बनाऊंगी। गले की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से तीरा मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पे हार मोड़ मैं ले रही हूँ 7 इंच। चेस्ट यहाँ पे ले रही हूँ 10 का, 40 का, तो 10 इंच पे मार्का कर रही हूँ। अब टोटल इसकी लंबाई मैं यहाँ पे लूँगी 16 इंच। अब यहाँ से इसको सीधा मार्का कर देना है। अब यहाँ से टोटल ये तैयार रखूँगी, बनाऊँगी मैं इसको 14 इंच का तैयार रखूँगी। तो यहाँ पे दो इंच डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से इसको हारमोल के यहाँ पे गोलाई बना लेना है। और यहाँ पे पहले इसको मैं यहाँ पे इसको बी गला बनाऊंगी। अब इसको जैसे मार्का लगा ऐसे इसको कटिंग करके पहले निकाल देना है। अब इसको साइड में करना है। और यहाँ पे और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको चक्कर ऊपर है यहाँ पे हारमोन की गोलाई बना लेना है और इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग कर देना है। अभी हो गया मेरा आगे वाला पार्ट। अब यहाँ पे इसको 4 इंच पे लेना है। ये टू टक वाला मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे आधा आधा इंच कमर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच। अब इसको हल्का सा तिरछा कर देना है। अब ये आगे वाले की मार्का हो गया है, पीछे वाले इसको साइड में कर देना है। गले के यहाँ पे मैं कटिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये बी गला मैं बनाऊंगी आगे के साइड। अब इसको साइड में करना और पीछे वाले पार्ट को लेना है। और यहाँ पे भी गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। टोटल ब्लाउज मैं तैयार रखूँगी यहाँ पे 15 इंच पे मार्का कर 14 इंच पे तैयार होगा। सीना मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंच। अब यहाँ पे 4 इंच पे लेना है, बीच में से 4 इंच देखना कहाँ आ रहा है। अब आधा आधा इंच दोनों साइड डॉट के लिए मार्का कर देना है। और यहाँ पे कमर मैं ले रही हूँ 9 इंच। अब यहाँ पे हल्का सा इंच टेप रखना तिरछा, इसको मार्का कर देना है। अब यहाँ पे गले का जो सेप मैं बनाऊंगी, गले की लंबाई टोटल यहाँ पे मैं 11 इंच की गले की लंबाई ले रही हूँ। अब इसको भी सीधा मार्का कर देना है। और यहाँ पे यहाँ से ले रही हूँ मैं 3 इंच। और यहाँ पे मैं मटके का सेप बनाऊंगी। अब चाहे तो कोई भी सेप बना सकते हैं। अब इसको साइड में कर देना है।
और जो यहाँ पे मैं बाजू में जो डिजाइन बनाऊंगी वो वाला आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हारमोन की गोलाई चेक कर लेना कितना आ रहा है, मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 9 इंच, अब इसको साइड में कर देना है। और यहाँ पे पेपर ले लेना है, पेपर को मैं ले ली हूँ। अब इसको यहाँ पे डबल फोल्ड में कर लेना है। अब इसकी चौड़ाई चेक कर लेना कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा 10 इंच। अब बाजू की लंबाई यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब इसको यहाँ पे सीधा मार्का कर देना है, पहले इसको यहाँ पे सीधा मार्का करके यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से ऊपर की गोलाई मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से हारमोन की गोलाई मैं ले रही हूँ 9 इंच पे मार्का कर देना है। यहाँ पे इस तरह कपड़े को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब बाजू की कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग हो गई, इस तरह कपड़े को साइड में करना है। जो ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ लंबाई में 3 इंच, चौड़ाई में भी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंच, 2.5 इंच या 3 ले सकते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स बना देना है और यहाँ पे मैं ऐसे गोल में इसको शेप बना देना है। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब 2-2 इंच पे मार्का कर देना है। अब इसको जैसे मार्का लगा इसे कटिंग करके निकाल देना है। इसको साइड में कर देना है। ये देखिए, ये वाला मैं बाजू यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। और जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पे इसका, यहाँ पे जब मैं स्टिच करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे ये वाला बाजू को इसको बनाना है। ये जो कपड़ा बचा है इसी का इसमें डिजाइन बनाना है। अब इसकी कटिंग हो गई है, मिलते हैं आपको जब स्टिच करेंगे तो दिखाएंगे कैसे इसको स्टिच करना है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।